तुम्हारी बहू मंगलसूत्र नहीं निकालेगी। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जब तक इस घर को हमारी जरूरत रहेगी हम साथ रहेंगे, आपका सहारा बनकर भी और ताकत भी। कुछ चीज मांगना चाहते हैं दोगी का? सब कुछ तो आपका दिया है सासू माँ, ये मंगलसूत्र हमको दे दो। नहीं, अभी तो आपने नीचे बोला कि हम ये मंगलसूत्र नहीं दे सकते सासू माँ, प्लीज इसे हमसे मत लीजिए। खुराने, हम जानते हैं कि नीचे हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबके सामने हम तुम्हारा विश्वास जो है वो कमजोर नहीं ना होने देना चाहते थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मंगलसूत्र में जो है ना विशु का याद जुड़ा हुआ है। ये बात तो सच है कि विशु अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, वो इस दुनिया से जा चुका है। इस सच्चाई को ना जितना जल्दी हम स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा है, और जाने वाले को ना पूरा रीति रिवाज से विदा ना करो तो उसका आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता है। तुम नहीं चाहते हो कि विशु की आत्मा को शांति मिले? विशु ना सबसे ज्यादा जो है तुमको प्यार करता था, हमसे भी ज्यादा। वो हमेशा से तुमको खुश देखना चाहता था। तो विशु की खुशी के लिए उसकी यादों के इस मोह से बाहर निकलो बहू रानी। उसकी खुशी के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो, विशु के लिए ही मंगलसूत्र जो आपको दे दो। हम समना तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी करे वो कम ही पड़ेगा। विशु जी सासू माँ को बहुत मानते थे, अगर इनका कहना नहीं माना तो विशु जी की आत्मा को दुख होगा। दुनिया की सबसे अभागन माँ है हम, बोल रही हैं यार। सही है, तुम कह रहे हम हमारे विशु का ध्यान कभी रख ही नहीं पाए, उसको ठीक से पाल ही नहीं पाए। उसका सारा जो बचपन था वो अच्छी कमलावती के गोद में बीता, फिर सृष्टि का साथ पाकर परम विशु जो है वो समझदार बनकर हमेशा जो है वो अपना नफा नुकसान देखते रहे। अब सबसे बुरी माँ है, बहुत ही बुरी माँ है। बस अपना बेटा समझदार था, हम दोनों की बहुत इज्जत करता था। आपको अपने विशु के लिए एक काम करना होगा श्रीमती जी। हम हमारे विशु के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। देखिए, अपने विशु जहां कहीं भी होगा वहां से हम दोनों को जब देखता होगा, आपको इस तरह से दुखी देख के बहुत दुख होगा उसे, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखता था ना। उसकी खुशी के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है समय पे खाना खाना, समझ रही ना?
बना लीजिए। मुझे भी पुप्पी, तुम इसे भी ले जाओ यहाँ से। मिस्टर जी, देवर जी के जाने के बाद इस घर के सारे मोती इधर उधर हो गए। देवर जी वो धागा थे जिन्होंने इस घर को जो है मोती का माला बनाया हुआ था। अब आपको वो धागा बनना है, आपको संभालना है सबको, और उसके लिए जो है आपको खाना तो खाना पड़ेगा। खा लीजिए। जो है खाना खिला दिए हैं, आप खा लीजिए, उसके बाद हम खा लेंगे। अभी मेरे साथ देखो रागिनी, हम दोनों को मिलकर पूरे घर वालों का ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें खाना जरूरी है, राइट? थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। जब से विशु गया है ना, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। उसकी सभी बातें, उसके सभी अंदाज वो मेरी आंखों के सामने आते हैं और मुझे घुटन सी होती है। प्लीज जल्दी आ जाना। मिस्टर जी, हम सिस्टी के साथ सोएंगे। रागिनी, मैं मानता हूं कि तुम्हारी नजर में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या इसके लिए तुम मुझे इस हालात में छोड़ दोगी? हाँ, वो शायद तुम ठीक कह रही हो। सृष्टि को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? बहुत प्यारी लग रही है आप इसमें। अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे विष्णु जी, नहीं हो पाएगा ये सब।
हमेशा सच बोलना है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। कहाँ चले गए हमें अकेला छोड़ के? जी सकते आपके बिना, प्लीज प्लीज आप साथ आओ, प्लीज। सृष्टि, सृष्टि उठो, से कोई फायदा नहीं है सृष्टि, कोई वापस नहीं आता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर आराम करो और अपने अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। रुकोगे? लेकिन तुम यहां क्यों रुकोगे? तुम अनुराग जी के पास जाओ, उनको भी तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकते इस हालत में, इसलिए जो है हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम यहां रुकोगे तो अनुराग जी अकेले हो जाएंगे ना? रागिनी, हम मानते हैं इस समय हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हमारा साथ देने के लिए इस घर में और भी लोग हैं। हम सासू माँ या दिव्या को अपने पास बुला लेंगे, लेकिन अनुराग जी वो अपने आंसू तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं बांट सकते। उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने का नाटक करना होगा ना रागिनी? सिर्फ हमने विशु जी को नहीं खोया है, इस घर के हर सदस्य ने अपने अपने विशु जी को खोया है। क्या हुआ रागिनी? कोई बात है क्या? हम इस हालात में सृष्टि को अपना राम कहानी बता के और दुखी नहीं करना चाहते। नहीं हूँ, कुछ बात नहीं है। बोलो रागिनी, क्या बात है? हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते हूँ। नहीं बता सकती, इसका मतलब हम सहेलियां नहीं रहे। देवरानी जेठानी का रिश्ता भी खत्म हो गया। विशु जी के जाने पर इतना पराया कर दिया हमें। तुम पगला गई होगा? तुम हमारी देवरानी और जेठानी से फैले ना, हमारी बहन हो, समझी? और ये बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो किसी के भी जाने से जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा है तो बताओ हमें, तुम क्या छुपा रही हो हमसे? क्यों नहीं जाना चाहती अनुराग जी के पास? Beautiful.
जीत गई सागिनी, अब हम क्या करेंगे बताओ? श्रिष्टि जी, श्रिष्टि जी, उठिए ना, चलिए छत पर चल चलते हैं, बहुत सुंदर चांद निकला है, चलिए साथ में देखते हैं। विशु जी, चांद तो रोज ही सुंदर लगता है। I'm sorry, Srishti. I think मेरी वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ। Really sorry. हम आवाज से नहीं, अपनी खामोशी से घबरा के जाग गए। मेरे थे, खेल खेल में विशु ने सारे कंचे मुझसे जीत लिए थे। वो क्या है ना कि कंचों के खेल में उसे शाप नहीं था मैं, लेकिन फिर एक बार मैंने ये सारे कंचे उसकी बॉटल से जाके चुरा ली। तो जब पता लगा उसने मुझसे कंचे मांगे, मैंने कभी दिए ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं थी। अगर एक बार वापस आके मुझसे मांगे ना, तो ये कंचे तो क्या मैं पूरी दुनिया उसे खरीद कर दी तो। लेकिन अब वो सॉरी सिस्टम में तो मुझे तुम्हें कंसोल करने के बजाय मैं तुम्हें और सैड कर रहा हूँ। आई थिंक तुम अपने कमरे में जाके आराम से सोचो। अनुराग जी, ये हम सबके साझा दुख है, हम सबको एक साथ ही सहना होगा। इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये अकेलापन जानलेवा है हमारे लिए। वो इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग थे, उनका ना हर चीज को देखने का समझने का नजरिया ही अलग था। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने। फिर उनके साथ ऐसे क्यों? विशु जी हमको एक बात कहते थे, वो कहते थे कि श्रिष्टि जी, श्रिष्टि जी, पति पत्नी का रिश्ता कंचे की बोतल की तरह होता है। और हम उनकी बात पर हंस दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ हमें वो बात बताई। वो कहते कि श्रिष्टि जी सोच के देखिए, एक कंचा और एक बोतल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि कोई कितना भी जोर लगाए, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते।
कि और मजबूत हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही सूरत में अलग हो सकते हैं, जब कांच की बोतल टूट जाए।